Welcome to my lovely students. So today I am going to tell about the summary of chapter number 2, The Judgment Seat of Vikramaditya. Vikramaditya was one of the greatest rulers of our country who ruled over Ujjain. The Hindu New Year Vikram Sambat or says Ujjain to him. He was famous for his justice. His justice was so fair and accurate that both the parties were always satisfied with it. Even today, whenever a judge pronounces his judgment with great skill, people say, ah, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. So, जो विक्रमादित्य थे वो बहुत ही महान राजा थे और उन्होंने उज्जैन पर राज किया था और वो अपने जस्टिस के लिए काफ़ी फेमस थे. तो उनका जो जजमेंट होता था वो काफ़ी फेयर होता था. और जो दोनों पार्टीज़ अपनी परेशानी लेकर उस मतलब विक्रमादित्य के पास जाती थी, विक्रमादित्य जो किंग है उनके पास जाती थी, तो हमेशा सेटिस्फाई होकर आती थी, क्योंकि विक्रमादित्य की जो ग्रेट स्किल है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका माइंडसेट है, वो काफ़ी फेयर था. किसके लिए? अपना जब भी जजमेंट देते थे वो कभी भी पार्शलिटी नहीं करते थे. तो यहाँ पर जो दोनों पार्टीज होती थी वो सेटिस्फाई होकर आती थी. बेटा यहाँ पर प्रनाउंस का मतलब है डिक्लेयर करना, ठीक है. तो जब भी जो लोकल पीपल होते थे, विलेज पीपल होते थे, अपनी परेशानी लेके विक्रमादित्य के पास जाते थे और जब उनको एक फेयर रिजल्ट मिलता था तो वो ये कहते थे कि वाओ, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ आर कंट्री. ये हमारा बहुत महान राजा है हमारी कंट्री पर, जिसने हमारे कंट्री पर बहुत अच्छे से राज किया है. तो यहाँ पर अब जो न्यू किंग है उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, जब भी वो न्यू जो किंग है जो अभी राइट नाउ है यहाँ पर उज्जैन में, उसके बारे में लोग कहते हैं जब भी वो किंग अपना जो भी अपना रिजल्ट प्रनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, उसके अंदर उसको फेयर सिस्टम यूज़ करता है, अपना ग्रेट स्केल यूज़ करता है और दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाती है, अग्री हो जाती है, तो लोग उस पर जो लोकल पीपल है वो उस पर कमेंट करते थे हाँ कि इसको तो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठना चाहिए. बट नोबडी हैज़ एवर सीन हिज जजमेंट सीट. एक्चुअली द सीट डजेंट एग्जिट एनी मोर. नोबडी एवर नोज हाउ डिट डिसअपियर्ड. हाउएवर देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट्स डिसअपीयरेंस. तो यहाँ पे ना कभी किसी ने जजमेंट सीट देखी है विक्रमादित्य की और ना कभी वो थी. एक्चुअल में सीट कोई थी ही नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल वे था. लोग विक्रमादित्य सीट को एक माइंड सेट में उन्होंने एक फ्रेम आउट कर रखा था, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली अपेयरेंस में कोई सीट ऐसी नहीं थी, ना कभी किसी ने देखी. अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो सीट कभी थी ही नहीं एक्चुअल में, रियलिटी में कभी थी ही नहीं, रियलिस्टिक जो कभी थी ही नहीं और ना कभी किसी ने देखी है, वो गायब कैसे हो सकती है? तो ये भी एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी डिसअपेयरेंस की. सो लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ मीडो जस्ट आउटसाइड अ स्मॉल विलेज. देयर वॉज अ लार्ज हीप ऑफ रेन्स ऑल कवर्ड विद ग्रास डस्ट एंड ट्रीज नियर द मीडो. द लोकल शेफर्ड बॉयज टुक देयर कैटल टू ग्रेज इन द पास्चर. दे अकंपेन्ड द कैटल एंड स्टे देयर द होल डे. दे हैव पेनल्टी ऑफ टाइम टू प्ले एंड हैव फन देयर. तो बहुत क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्मॉल विलेज हुआ करता था, वहाँ पे कुछ शेफर्ड बॉयज़ जाते थे अपने कैटल को लेके. और मतलब कैटल मतलब सबको पता है क्या होता है, कैटल मतलब जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनको हम कैटल बोलते हैं. तो वहाँ जाके वो जो शेफर्ड बॉय होते थे अपना टाइम स्पेंड करते थे, पूरा दिन वहीं स्पेंड करते थे. कैटल्स भी वहीं होती थी, वो बॉयज़ वहाँ खेलते थे, अपना एक दूसरे से बात करते थे और बहुत सारी चीज़ों से एक दूसरे से सीखा करते थे. सो वन डे वाइल प्लेइंग दे नोटिस अ माउंट इन द मिडल ऑफ द रिंग्स दे ऑल कवर्ड विद. तो एक दिन की बात होती है खेलते खेलते वो एक माउंट को नोटिस करते हैं, रिंग्स के बीच में होता है और वो जो कवर्ड होता है वो ग्रास से कवर्ड होता है. नाउ कम टू द पेज नंबर 9. One of the boys jumped upon it and said, "There, I am the judge now," said he, "bring all your disputes and I would solve them for you." तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे जब वो शेफर्ड बॉय होते हैं तो उस माउंट पे एक बच्चा चले जाता है, उनमें से एक शेफर्ड बॉय वहाँ पे बैठ जाता है उस माउंट पर. वो कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे जज करूँगा, मैं सीट पे बैठ गया हूँ. एक्चुअल में एक माइंडसेट होता है बच्चों का, जब बच्चे प्ले करते हैं तो किसी भी चीज़ को कुछ भी बना लेते हैं. तो ये भी एक बच्चे ही थे, इन्होंने भी वही चीज़ करी. वो माउंट पे जाके एक बच्चा जंप करके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं अब यहाँ का जज हूँ, अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट मीन्स क्वारल, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो लेके आओ, मैं इसको सॉल्व करूँगा. दी अदर बॉयज़ ऑल्सो लाइक दी आइडिया. दे फैब्रिकेटेड सम फॉल्स डिस्प्यूट एंड वेंट टू हिम फॉर जजमेंट. देखो यहाँ पे बहुत फनी चीज़ है, जो बाकी के बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में खेल रहे होते हैं आपस में, तो जब वो शेफर्ड बॉय एक माउंट पर जाके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं जज हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आओ, मैं सॉल्व करूँगा, तो अभी जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो एक्चुअल में खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं. अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो बाकी के अदर बॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत झूठी झूठी कहानियाँ बना के, और वो जो
बच्चा बैठा होता है माउंट पे, उसको बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो बच्चा माउंट पे बैठा होता है वो उसको जजमेंट देता है, ठीक है। देखते देखते वो नोटिस करते हैं कि बहुत ग्रेट चेंज आ जाता है, जो एक्चुअली जो माउंट पे जो बच्चा बैठा होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, सॉर्टेड करने लगता है, और देखते देखते इतना सीरियस हो जाता है कि उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब वो उस सीट पर बैठता है तो एक्चुअल में ही वो अंदर से अपने आप को जज वाली वो एक वाइब लेने लगता है कि मैं एक्चुअल में रियल में जज हूँ, अपने आप को जज ही समझने लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जजमेंट देने लगता है। जो बाकी के बच्चे होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह कि ये इतना अच्छा एक जजमेंट भी दे सकता है। ही हर्ड द केसेज एंड गेव हिज जजमेंट, द जजमेंट वाज सो जस्ट दैट ऑल द पार्टीज हैड टू अग्री टू इट। तो ये उसने काफ़ी सारे केसेज सुने और अपने जजमेंट भी दिए हैं, तो जो भी पार्टीज अपने केस लेके आती थी, जो भी पार्टीज अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी, वो सभी पार्टीज़ क्या होके जाती थी, अग्री करके जाती थी, सेटिस्फाइड होके जाती थी उस बॉय से, क्योंकि वो बॉय जो अपना जजमेंट दे रहा था वो काफ़ी फेयर जजमेंट दे रहा था। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड, ही वुड सिट ऑन द माउंट, आस्क द अदर बॉय टू ब्रिंग द डिस्प्यूट एंड ही वुड गिव हिज जजमेंट। सून पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज हर्ड अबाउट दैम एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग विद देयर डिस्प्यूट। तो देखते ही देखते ये प्रोसेस चालू हो गया है और वो हमेशा माउंट पे बैठने लगा, जजमेंट देने लगा। यहाँ पे जो बॉयज़ होते थे फिर अगेन अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते थे, वो अगेन जो बॉय शेफर्ड बॉय था जो माउंट पे बैठा था जो अपना जजमेंट देता था, और यहाँ पे बहुत जल्दी जो गाँव के लोग थे, जो गाँव के लोकल पीपल थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने लगे। उन्होंने उसके बारे में सुना कि माउंट पे एक शेफर्ड बॉय बैठता है और वो अपने जजमेंट देता है, उसका जजमेंट काफ़ी फेयर होते हैं। तो तभी बहुत जल्दी जो गांव के लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, वो उस माउंट पे जो शेफर्ड बॉय बैठा होता है उसके पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। देन द बॉय सॉल्व दैट डिस्प्यूट आल्सो एंड दे ऑलवेज रिटर्न विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन। तो जो बॉय होता है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनता है और सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड करता है, और जो गाँव वाले लोग होते हैं, जो विलेज पीपल होते हैं, वो हमेशा एक सेटिस्फैक्शन के साथ ही वापस अपने घर जाते हैं। मतलब जब भी वो अपनी प्रॉब्लम्स उस बॉय के पास लेके जाते हैं, जो बॉय होता है वो इतना फेयर जजमेंट करता है, वो इतना फेयर प्रनाउंस करता है कि जितनी जो दोनों बहुत पार्टीज होती है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों अग्री हो जाती है। द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, ये न्यूज़ जो होती है बहुत जल्दी दूर दूर तक फैलने लगती है। वेन द किंग ऑफ उज्जैन हर्ड अबाउट इट ही बिकेम क्यूरियस, जब उज्जैन के किंग जो अभी एट प्रेजेंट जो किंग है उसको पता लगता है तो वो काफ़ी क्यूरियस फील करने लगता है। ही नो दैट द रिंस वर्स द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द किंग विक्रमादित्य, सो ही थॉट दैट द माउंट मस्ट बी ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो वो सोचता है कि अच्छा ये तो विक्रमादित्य की जगह थी, तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा वो बच्चा वहाँ बैठ के अपना जजमेंट दे रहा था, उसका मतलब वही जो माउंट है ना वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट है, उसको ऐसा लगता है। जो अभी एट प्रेजेंट किंग है वो ऐसा फील करता है इन सब चीज़ों को सुनने के बाद कि जो शेफर्ड बॉय जिस माउंट पे बैठा है, वो जो माउंट है वो पहले जजमेंट सीट हुआ करती थी, किसकी, विक्रमादित्य की। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू डिग द साइट एंड सी, अब वो ऑर्डर करता है अपने मैन को, अपने मैन मतलब जो भी उसके नाइट्स वगैरह होते हैं, जो भी उसके पीपल होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो उनको ऑर्डर करते हैं कि जाओ वहाँ पर जाकर जरा माउंट को खोद के देखो कि उसके अंदर क्या है। तो जो वहाँ का जो करेंटली किंग होता है उज्जैन का, वो कहते हैं जाओ भाई जाओ, वो जो शेफर्ड जिस माउंट पे बैठा है उस जगह को खोद के देखो कि उसके नीचे क्या सच्चाई है, वो किस तरीके से जजमेंट, ऐसे एक बच्चा जजमेंट कैसे दे सकता है इतना फेयर, वो भी विक्रमादित्य की तरह, कि लोग सारे इम्प्रेस हो गए हैं, लोकल पीपल जो विलेज के हैं वो सारे इम्प्रेस हो गए हैं और उसके पास जाने लगे हैं। तो हिज मैन डग द माउंट एंड सून दे फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स। जब वो खोद रहे होते हैं, जो उसके जो किंग के जो लोग होते हैं, किंग के जो टीम मेंबर होते हैं, जो मैन होते हैं, वो जब माउंट को खोद रहे होते हैं, वो तो उनको क्या मिलता है, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, उनको एक ब्लैक मार्बल मिलता है, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल मिलता है जो किससे सपोर्टेड होता है, हैंड्स और विंग्स ऑफ 25 एंजल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो जो एंजल्स थी वो 25 एंजल्स थी और जो स्लैब था वो ब्लैक मार्बल था, राइट। सो द स्लैब वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, ही सेड इट मस्ट बी द जजमेंट सीट ऑफ द फेमस किंग विक्रमादित्य, आई शैल ऑल्सो सिट अपॉन इट एंड प्रोनाउंस माई जजमेंट, देन माई जजमेंट विल ऑल्सो बी एक्यूरेट लाइक हिज। तो वो कहता है कि अच्छा ये जो स्लैब है ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट हुआ करती थी और जो विक्रमादित्य था वो इसी से फेमस हुआ था अपने जस्टिस के लिए, तो मुझे भी इस पे बैठना चाहिए, मैं भी इस पे बैठूंगा आपसे और मैं भी अपने इस पे बैठ के अपने जजमेंट दिया करूंगा और मेरा जजमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, मेरा जजमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट हुआ करेगा, किसकी तरह, जो विक्रमादित्य है उसकी तरह। सो ही डिसाइडेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑन द फोर्थ डे, बिफोर दैट ही ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट टू प्रे एंड फास्ट फॉर 3 डेज। तो वो डिसाइड करता है ठीक है मैं इस पे अपने चौथे दिन बैठूंगा, उससे पहले मैं सारे सब्जेक्ट में जो भी प्रायोरिटीज़ है उसको उसके लिए प्रे करूँगा
करूँगा, जो भी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करूँगा और फास्ट रखूँगा 3 दिन के लिए। हिज सब्जेक्ट्स ओबेज हिम एंड ऑन द 4th day अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द पैलेस टू विटनेस द सेरेमनी। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, वो अपने सारे टीम मेम्बर्स को इसके लिए असेंबल कर लेता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो 3 दिन बाद क्या होता है, जितने भी वहाँ का क्राउड होता है, मतलब 4th day, ऑन द 4th day क्या होता है, 3 दिन बाद जो 4th दिन होता है, वहाँ पर जितना भी लोकल क्राउड होता है, विलेज पीपल होते हैं, वहाँ पैलेस में आ जाते हैं उसके, और विटनेस मतलब क्या होते हैं, गवाही देने वाले होते हैं कि हाँ कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था। तो उस सेरेमनी के लिए सब अटेंड करने के लिए गैदर हो जाता है, काफ़ी क्राउड हो जाता है। स्लोली द किंग केम टू द रॉयल कोर्ट एंड वेंट नियर द थ्रोन। ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन इट वेन वन ऑफ द एंजल्स स्पोक सडनली, स्टॉप स्टॉप किंग, इट सेड डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन दिस सीट, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स। तो यहाँ पे स्लोली जैसी वो रॉयल कोर्ट में वहाँ उस थ्रोन के पास बैठने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे एक एंजल आती है और सडनली इस किंग को रोक देती है और कहती है कि किंग रुक जाओ, क्या तुमने कभी सोचा है क्या तुम इस सीट पे बैठने के लिए वर्दी हो, क्या तुम इस सीट पे बैठने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट पर्सन हो, क्या तुम इस सीट पे बैठने के लिए बिल्कुल लायक हो, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर्स नॉट योर्स। कभी तुमने तुम्हारे अंदर कभी ये डिज़ायर नहीं हुई जहाँ तो किंग जिस किंगडम के में आप राज कर रहे हो, कभी आपने उसमें आपको किसी चीज़ की डिज़ायर फील नहीं हुई, बस आप सीट के लिए बैठना चाहते हो, या कभी आपने विक्रमादित्य की तरह कभी कोई जस्टिस किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों के एक्चुअल में ये जो लाइंस है जो एंजल बोल रही है, बेसिकली ये विक्रमादित्य के ऑन बिहाफ बोल रही है। ये विक्रमादित्य जो जैसे फेमस है अपने जस्टिस के लिए, क्या ये किंग भी उसी तरीके से फेमस है? ये जो एंजल है ये जस्टिफाई करना चाहती है कि ये जो अभी करंटली जो किंग है कि एक्चुअल में क्या ये वर्थी है सीट के लिए। जो तो अब किंग होता है, देखो वो क्या रिएक्ट करता है, द किंग रिमेंट साइलेंट, ही न्यू दैट हिज लाइफ वॉज नॉट एज जस्ट विक्रमादित्य। जब जो किंग होता है ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि वो जाता है कि उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो लाइफ रही है वो विक्रमादित्य की तरह नहीं रही है। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम सेड एट लास्ट नो, बहुत लंबे मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए वो सोच रहा रहता है और बहुत चुप हो जाता है, उसके बाद अपना जवाब देता है एंजल को नो। तब वो किंग अगेन बोलता है, एक्चुअल में रियल में बोलता है एंजल को, नो आई एम नॉट वर्दी टू सिट ऑन इट, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। फिर देखो एंजल क्या बोलती है और कैसे गायब होती है, अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वो जो एंजल अभी गई थी वो फर्स्ट एंजल थी हमारी, वो क्या रिप्लाई करती है, देन गो फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days टू प्योरीफाई योर सेल्फ सेट द एंजल फ्लो अवे। वो कहती है ठीक है जाओ और अगले 3 दिन तक दोबारा फास्ट करो, दोबारा सब चीज़ें करो, अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने आप को क्लीन करो, अपनी सोल को क्लीन करो, ताकि आप इस सीट पर बैठने के लिए वर्थफुल हो जाओ, वर्दी हो जाओ। राइट, कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग अगेन ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रेयर फॉर 3 days एंड देन वेंट टू सिट ऑन द थ्रोन, बट दिस टाइम अनदर एंजल प्रिवेंटेड हिम। अब देखिए अब क्या होता है कि वो फिर से 3 दिन के लिए वही सब चीज़ें अगेन करता है, और फिर से अब जब 3 दिन बाद जब वो दोबारा थ्रोन पर बैठने के लिए जाता है तो दूसरी एंजल आ जाती है और उसको रोकती है, और वो क्या बोलती है, हैव यू नेवर विश टू ओन आई ओन द रिचेज ऑफ अदर्स। अगेन द किंग हैड नो आंसर फॉर ही नो दैट ही हैड डन सो ऑन एंड सो मैनी ओकेशंस, द सेकेंड एंजल ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू प्योरीफाई अगेन एंड फ्लू अवे। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो सेकेंड एंजल होती है वो फिर कहती है कि क्या तुमने कभी तुमने विश नहीं की कि दूसरों का भला करने के लिए। यहाँ पे रिचेस का मतलब क्या दिख रखा है बेटा, रिचेस का मतलब यहाँ पे हरौनी है, यहाँ पे रिचेस का मतलब अमीर करना नहीं है, यहाँ पे रिचेस का मतलब दूसरों का भला करना है, या दूसरों का एक जस्टिफाइड तरीके से, एक फ्रूटफुल तरीके से दूसरों की चीज़ों को क्लियर और सॉर्टेड करना है। दूसरे कौन है यहाँ पे, लोकल पीपल हैं, विलेजेस पीपल हैं। तो यहाँ पे जो किंग होता है फिर कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब किंग फिर से सोचने लगता है कि मैंने अभी तक कभी ऐसा कोई जजमेंट सुना है यानी कि जहाँ पे मेरे खुद के जो विलेज पीपल है, मेरे किंगडम के जो विलेज पीपल है वो सेटिस्फाई होके गए हों। देन अगेन दस वेन एवर द किंग ट्राई टू सिट ऑन द थ्रोन एंड एंजल वुड आस्क हिम अ क्वेश्चन टू विच द किंग हैड नो आंसर एंड द एंजल वुड फ्लाई अवे एट लास्ट ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट। तो जब भी ऐसा कुछ होता है एंजल कुछ क्वेश्चन पूछती है, फिर किंग के पास कोई आंसर नहीं होता है, तो फिर एंजल क्वेश्चन पूछ के वापस चली जाती है, और फिर से जो किंग होता है वो सैड हो जाता है, वो फिर सोचने लगता है। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है आगे देखो, फॉर द लास्ट टाइम द किंग वेंट टू सिट ऑन द थ्रोन, दिस टाइम ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैड प्योरीफाइड हिमसेल्फ कम्प्लीटली।
तो अब जब लास्ट टाइम क्या होता है, फिर अगेन वो थ्रोन पे बैठने जा रहा होता है, तो किंग अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ होता है कि इस बार तो मैंने अपने आप को प्योरीफाइड कर ही लिया है पूरी तरीके से। सो देखो आगे क्या लिखा है, व्हेन ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन द लास्ट एंजल स्टॉप हिम एंड सेड, ओ किंग इफ यू रियली थिंक दैट योर हार्ट इज एज प्योर एज चाइल्ड देन यू आर वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन। तो दोबारा एक लास्ट एंजल आती है और फिर उस किंग को रोक देती है और वो उसको बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जो दिल है वो बच्चों की तरह प्योर है, तुम जो हो वो बच्चों की तरह बिल्कुल साफ हो, अपने दिल के साफ हो, अगर तुम साफ हो एक बच्चे की तरह तभी तुम इस सीट पर बैठ सकते हो, तभी तुम इस सीट के लिए वर्थी हो जाओगे। तो वो किंग होता है फिर सैड हो जाता है लास्ट में और वो बोलता है नो I am not worthy to sit on the throne। फिर जो किंग होता है वो दोबारा कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी भी इस सीट के लिए बिल्कुल बना ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ। एट दिस द लास्ट एंजल ऑल्सो फ्लो अवे कैरिंग द जजमेंट सीट ऑन हिज शोल्डर। अब जो लास्ट एंजल होती है वो उस जजमेंट सीट को, जो स्लैब ऑफ मार्बल होते हैं, उसको अपने शोल्डर पर रख के ले जाती है। यहाँ पर यह पता लगता है जो किंग होता है वो उसने इतने दिनों तक फास्ट रखा, इतने दिनों तक अपने को प्योरीफाई करने की कोशिश की, फिर भी वो विक्रमादित्य की तरह खुद को प्योरीफाई नहीं कर पाया, फिर भी वो विक्रमादित्य की तरह अपना जजमेंट उसकी तरह नहीं दे पाया, एक जस्टिफाई नहीं कर पाया, उसकी तरह एक फेयर पर्सन नहीं बन पाया। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है हमारी। थैंक यू।